रोटरी क्लब हमीरपुर ने रोटरी क्लब हमीरपुर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और वर्ष 2020-21 के लिए अपनी योजनाओं को साझा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। नवनिर्वाचित प्रधान रोटेरियन रवि शर्मा ने मौजूद सदस्यों और प्रेस के बंधुओं का स्वागत किया और अपनी टीम के सदस्यों का परिचय करवाया। इसके पश्चात सचिन रोटेरियन ज्वाला सिंह राणा ने सदन को रोटरी लक्ष्य रोटरी क्लब हमीरपुर की उसकी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रोटरी दुनिया भर में 34,282 क्लबों में काम करने वाले 1.22 बिलियन से अधिक व्यक्तियों को समर्पित कार्य शक्ति है। सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था में से एक है। ये लगातार मानवतावादी सेवाएं प्रदान करने, बीमारी की रोकथाम के लिए लड़ने और दुनिया भर में सद्भावना और शांति को आगे फैलाने के लिए प्रयासरत है। ये नस्ल, रंग, पंथ, धर्म, लिंग या राजनीतिक पसंद की परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए खुला है। रोटरी क्लब हमीरपुर 1985 में अस्तित्व में आया और जल्द ही रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070 के प्रमुख क्लबों में से एक बन गया, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल शामिल है। 2008 में ये क्लब रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070 में डॉक्टर विनोद शर्मा को गवर्नर देने वाला पहला हिमाचली क्लब बन गया। उन्होंने कहा कि साल 2020-21 के लिए नवनिर्वाचित कर्मठ सदस्यों की नई टीम के साथ ये क्लब नए मापदंड स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। जागरूकता अभियान, रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिनों का उत्सव, संगीन गतिविधियों और रोटरी के सिग्नेचर प्रोडक्ट आदि का आयोजन नियमित गतिविधियों के साथ जारी रखते हुए पुरानी परियोजनाओं को और अधिक कारगर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन बैंक, रोटरी बाटिका, रोटरी कम्युनिटी कोर बड़ू, हमीरपुर जेल के कैदियों की आत्म निर्भरता कार्यक्रम, इंटरेक्ट क्लब, हमीरपुर पब्लिक स्कूल, राजकीय उच्च पाठशाला चौकी जमलना, राजकीय हाई स्कूल फुगोटी और राजकीय प्राथमिक स्कूल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोविड-19 जो कि एक वैश्विक घातक महामारी है, जिससे संबंधित बहुत से काम पिछली टीम द्वारा किए गए हैं और इस संबंध में किए गए कार्यों एवं चुनौतियों को जारी रखने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की भी योजना बनाई गई है। अब मैं आप सभी को रोटरी के विषय में कुछ तथ्यों की जानकारी देना चाहूंगा। डॉक्टर विनोद शर्मा को गवर्नर देने वाला पहला हिमाचली क्लब बन गया। साल 2020-21 के लिए नव निर्वाचित कर्मठ सदस्यों की नई टीम के साथ यह क्लब नए मापदंड स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। जागरूकता अभियान, रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिनों का उत्सव, संगीत गतिविधियों और रोटरी सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स आदि का आयोजन नियमित गतिविधियों के साथ जारी रखते हुए पुरानी परियोजनाओं को और अधिक कारगर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जैसे कि रोटरी ऑक्सीजन बैंक, जो कि हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर जो बीमार होते हैं उनको उपलब्ध करवाते हैं। इसमें हमारे 30 सिलेंडर रोटरी में है जो कि हम देते रहते हैं, बार बार फ्री देते हैं सबको। उसके बाद हमारी रोटरी हर्बल वाटिका जो कि गांव मटानी में है, इसमें लगभग 300-350 पेड़ हर्बल के हर तरह के पौधे लगे हुए हैं, जो कि रोटरी लगभग हर साल 120 पेड़ लगाती है और इन पेड़ों का संरक्षण भी करती है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक बार आप रोटरी वाटिका मटानी जाएं और सभी पेड़ों को देखकर आनंदित महसूस हों। कार से है प्रेसिडेंट रोटेरियन रवि शर्मा जी, सेक्रेटरी रोटेरियन ज्वाला राणा, हाँ जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रोटेरियन अमरजीत अत्री, ट्रेजरा रोटेरियन घनश्याम, सार्जेंट एट आर्म रोटेरियन सुनील शर्मा, चेयरमैन क्लब फाउंडेशन रोटेरियन पंकज लगनपाल जी, चेयरमैन सर्विस प्रोजेक्ट
रोटेरियन एस बनियाल, चेयरमैन क्लब एडमिनिस्ट्रेशन रोटेरियन चंदन भारद्वाज, चेयरमैन क्लब मेंबरशिप रोटेरियन मंजीत बनियाल, क्लब ट्रेनर रोटेरियन प्रोफेसर अग्निहोत्री, क्लब चीफ एडवाइजर रोटेरियन प्रेम ठाकुर जी।